दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का पहले दिन हुआ खत्म। भारत ने 50 ओवर में जड़ दिया 600 रन। रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए जड़ दिया 13 शतक। आप भी देखना चाहते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले टेस्ट के पहले दिन का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया, जहां पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत कर किया बल्लेबाजी का फैसला। बल्लेबाजी करने उतरे रोहित शर्मा ने पहले तो विकेट पर समय बिताया और जैसे ही रोहित शर्मा की गेंद पर आंखें जम गई, रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज गेंदबाजों के धागे खोलने शुरू कर दिए और देखते देखते जड़ दिया 13 शतक। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा ने अपने 13 शतक में 15 गगन चुंबी छक्के भी जड़ दिए। 13 शतक जड़ते ही रोहित शर्मा ने भारत की तरफ से ऐसे दूसरे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने टेस्ट मैच में 13 शतक जड़ा है। जी हां दोस्तों, इससे पहले एक कारनामा वीरेंद्र सहवाग ने दो बार किया है। दोस्तों बात करें दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 50 ओवर में 600 रन बना लिया है, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा 310 तो वहीं विराट कोहली 40 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहला टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी या नहीं?